श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानत ग्रंथस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य महाविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवंतविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम फ्राइडे क्लास स्कंध 3 अध्याय 9। अध्याय का नाम है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं इस अध्याय में। पहला श्लोक हम करेंगे। ब्रह्मा उवाच ज्ञातो असि मे अद्य सुचिरान् ननु देहभाजा न ज्ञायते भगवतो गति इति अवत्यम् न अन्यत् त्वत् अस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यतिकरात् यत् उरु विभास विभासी। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैंने आपके विषय में जाना। ओह देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी आप एकमात्र ज्ञेय वस्तु क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो वह परम नहीं है। आप पदार्थ की सृजन शक्ति को प्रकट करके ब्रह्म रूप में विद्यमान हैं। तात्पर्य हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है तो उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं समझाती हूँ बीच बीच में। घर में पढ़ा करिए तात्पर्य। तो ब्रह्मा जी कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी बहुत लंबी तपस्या किए जिसकी प्रेरणा उनको भगवान ने दी। तपस्या करने के बाद उन्होंने कुछ अनुभव किया क्योंकि भगवान ने उनको दर्शन भी दिया भगवान ने उनको ज्ञान भी दिया। तब भगवान को ब्रह्मा जी जान गए और फिर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं प्रार्थना। जैसे जब भगवान का उन्होंने दर्शन किया तो अब वो भगवान के बारे में कुछ कुछ अपने शब्दों से बोल रहे हैं अपने श्लोका बना करके संस्कृत के वो बोल रहे हैं। उसी में से ब्रह्म संगीता भी है। यहाँ पे ब्रह्म संगीता नहीं है
और ब्रह्म संहिता जो है वो भी वही चीज है। ब्रह्मा जी दर्शन किए भगवान का और उन्होंने भगवान का गुणगान किया, तो उसको कहते हैं स्तुति। स्तुति का मतलब होता है प्रार्थना करना। अलग अलग प्रकार की स्तुतियां हैं, जैसे कुंती महारानी ने प्रार्थना किया है, विष्णुदेव विष्णु पितामह ने प्रार्थना किया है, तो प्रार्थना करते हैं भक्तगण जब भगवान का दर्शन होता है। तो ब्रह्मा जी गुणगान कर रहे हैं भगवान का, कहते हैं कि बहुत लंबे समय तक मैंने तपस्या किया, फिर मैं आपको जान पाया, आपके विषय में जान पाया। आज एक माता जी मेरे से प्रश्न पूछी, जो मैं क्लास लेती हूँ ऑनलाइन, उसमें कि माता जी तत्वतः जानना किसे कहते हैं। ये क्लास हमारा शाम को होता है 15 मिनट का, उसमें पूछे तत्वतः जानना किसे कहते हैं, क्योंकि भगवद्गीता में एक श्लोक है, मनुष्याणां सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य प्रयास करता है भगवान को समझने का, भगवान के पास जाने का, पूजा पाठ करने का, ऐसा भगवान कृष्ण के प्रति हजारों में से कोई एक व्यक्ति रुचि रखता है। और फिर जितने लोग प्रयास करने वाले हैं, वैसे हजारों प्रयास करने वालों में से कोई एक मुझे जान पाता है ठीक से, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवद गीता में। यतत्तापि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि लाखों में से कोई एक जान पाता है भगवान को। पहली बात तो कोई प्रयास ही नहीं करते, प्रयास करने वाले हजारों में से एक है, और प्रयास करने वालों में भी सब लोगों को भगवान बुद्धि नहीं देते हैं, भगवान की कृपा के बिना हम उनको नहीं जान सकते। यहाँ पर भी ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, तो उनको भगवान ने कहा तप, तुम तपस्या करो। तब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया हजारों वर्षों तक, और तब ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन भी हुआ और गोलोक धाम का दर्शन हुआ और ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तब भगवान का गुणगान शुरू किया ब्रह्मा जी ने, और कहते हैं ब्रह्मा जी कि इतने वर्षों तक तपस्या करने के बाद आज मैं आपके विषय में जान पाया। और आगे कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो देहधारी जीव है, देहधारी कौन है, हम लोग, हम लोगों ने देह धारण किया है ना, भौतिक देह, देहधारी हम लोगों को ही कहा जाता है। जो भगवत धाम में देह धारण किए उनको देहधारी नहीं कहा जाता। तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी देहधारी जीव कितने अभागे हैं, क्यों, क्योंकि वो आपके स्वरूप को जानने में असमर्थ है। भगवान का जो स्वरूप है, वास्तव में भगवान जो है उसको नहीं समझ पाते हैं, देहधारी जी असमर्थ है। हे स्वामी, एकमात्र आप ही हैं जो जानने की वस्तु है, दूसरी चीजों को जानने या नहीं जानने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया की जो चीजें हैं, यदि हमें कुछ नहीं भी पता है, इससे हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं, तो क्या चीज को जानने की कोशिश करनी चाहिए, कृष्ण को। एकमात्र आप ही ज्ञेय हैं, और यदि कोई लगता है किसी को कि ये भी चीज जानना जरूरी है, वो भी चीज जानना जरूरी है, अगर कोई ऐसी चीज हम ज्ञान प्राप्त करते हैं दुनिया की जो कृष्ण से अलग है, तो वो फिर सर्वोच्च ज्ञान नहीं है, छोटा सा अधूरा सा ज्ञान, बाकी सारी चीजें जो भी हम जानने की कोशिश करते हैं, आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। तो यदि हम भगवान कृष्ण को जान गए हैं तो संपूर्ण चीजों को जानते हैं। भगवान कृष्ण क्या है, जड़,
बाकी सब क्या है? तना। तो जड़ को जान गए, सब कुछ जान गए, जड़ को खुश कर लिए तो पूरे वृक्ष को खुश कर लिए, जड़ में पानी दिए तो सबको पानी मिल गया, यही बताया जाता है ना। तो इसीलिए यदि कृष्ण को जान गए तो और कुछ बचा नहीं जानने के लिए। यदि कोई चीज ऐसा लगता है कि यदि कोई चीज श्रेष्ठ है तो सच में वो परम नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देखिए स्तुति हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर आगे कहते हैं ब्रह्मा जी, रूपम यत एतत अवबोध रसम उदयेन शश्वत निवृत्त तमसः सत अनुग्रहाय आदौ गृहीतम अवतार शत एक बीजम यत नाभि पद्म भवनात अहम आविरस। रूपम स्वरूप, यत जो, एतत वह अवबोध रस आपकी अंतरंगा शक्ति से के उदयेन प्राकट्य से शश्वत चिरंतन निवृत्त से मुक्त तमसः भक्ति कलुष सत अनुग्रहाय भक्तों के हेतु आदौ पदार्थ की सृजन शक्ति में मौलिक गृहीतम स्वीकृत अवतार अवतारों का शत एक बीजम सैकड़ों का मूल कारण यत जो नाभि पद्म नाभि से निकला कमल का फूल भवनाश घर से अहम मैं आविरासम उत्पन्न हुआ। मैं जिस रूप को देख रहा हूं वह भौतिक कलुष से सर्वथा मुक्त है। भगवान का जो रूप होता है उसमें कुछ भी भौतिक नहीं होता है, ठीक है। भगवान अगर पत्थर की मूर्ति भी है तो अगर उसमें भगवान को बुला लिया गया, पत्थर की मूर्ति में आवाहन कर लिया गया और भगवान उसमें आ गए तब वो दिव्य हो गया, तब वो पत्थर नहीं है, ठीक है। भगवान किसी भी मूर्ति में अगर है तो वो दिव्य है। और जिनका दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी वो तो दिव्य है ही, उसमें तो भौतिक कुछ है ही नहीं। पर भौतिक चीजों में भी भगवान जब प्रवेश करते हैं तो वो भी दिव्य हो जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कलमश थोड़ा भी नहीं है। किसी को ये अगर वहम होता है कि भगवान भी तीन गुणों के अंदर है तो ये भगवान तीन गुणों के अंदर नहीं है। और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुए। भगवान यहाँ क्यों आते हैं? हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारे ऊपर। जैसे जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, है ना, जेल में पूरा जेल भरा रहता है कैदियों से, सब बदमाश हैं, अपराध किए हैं, इसीलिए है जेल के अंदर। तो बीच बीच में जेल के सुपरिटेंडेंट आते हैं विजिट के लिए, सब कैदियों को खड़ा किया जाता है और सुपरिटेंडेंट कुछ कुछ बोलते हैं उनको, अच्छी बात, गलत काम नहीं करना, सुधर जाना। और वो जब सुधर जाते हैं ना, जैसे उनकी सजा है 14 साल की आजीवन कारावास, 14 साल का होता आजीवन कारावास, है ना, 14 साल का। तो अगर वो कुछ अच्छा अच्छा बर्ताव करते हैं तो उनका सुपरिटेंडेंट कम कर देते हैं, उनकी सजा को कम कर देते हैं, जल्दी ही छुट्टी मिल जाती है उनको। तो इसी तरह भगवान इस दुनिया में आते हैं, हम सब यहाँ हैं तो भगवान आते हैं। और भगवान जेलर या कैदी सुपरिटेंडेंट के पास तो ताकत नहीं है, पर भगवान के पास तो बहुत ताकत है। तो भगवान कुछ लीलाएं करते हैं,
अच्छी अच्छी लीला यशोदा माता के घर में, कौशल्या माता के घर में, फिर वो जो लीलाएं होती हैं भगवान की, वो भक्तजन साधु महात्मा सब गाते हैं, ड्रामा करते हैं, गाते हैं भजन के रूप में, या फिर जिस समय चल रही है लीला भगवान की उस समय बहुत सारे भगवान की लीला में भाग लेते हैं। बरसों बरसों तक वो लीलाएं कभी गद्य के रूप में, कभी पद्य के रूप में, अर्थात पद्य यानी गाना और गद्य यानी कहना, सुनना और कहना, ऐसे लीलाएं भगवान की लंबी चलती रहती है, और कभी नाटक के रूप में, कभी नृत्य के रूप में। तो इससे क्या फायदा होता है, जो वो भगवान की लीलाओं को सुनता है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और जो भक्ति करता है बहुत तेजी से वो उन्नति करता है, और तब वो सब इस जेल से बाहर निकल जाता है। तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान इस जेल में आते हैं, तो जेल ही है ना, ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ बंद 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 है, और भगवान अवतरित होते हैं अपनी योग माया शक्ति के द्वारा। यह अवतार अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से होंगे, कमल के फूल से उत्पन्न होंगे। तो ये जो अवतार है भगवान कृष्ण का, अब यहाँ पे तो ब्रह्मा जी जिस नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं वो तो गर्भोदशा विष्णु है, पर यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कृष्ण के बारे में, या तो हम लोग सबको और भी पहले के श्लोकों से मालूम है कि कृष्ण परम भगवान है, पर ब्रह्मा जी अभी जिसका दर्शन किए हैं, जिसको देख करके भगवान बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि आपके ही कमल के फूल से मैं उत्पन्न हुआ, अर्थात गर्भोदक्षा विष्णु। और यह अवतार अन्य अनेकों अवतारों का उद्गम है, उनसे बहुत सारे अवतार निकले। ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है और शिव जी का भी जन्म हुआ है गर्भोदक्षाय विष्णु से, और विष्णु का भी जन्म हुआ है गर्भोदक्षाय विष्णु से। सारी सृष्टि ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं सबका बीज कहाँ रहता है, गर्भोदक्षाय विष्णु के पास बीज रूप में सब रहते हैं, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मा जी सारे बीज को लेके जीवों को उत्पन्न करते हैं, और शिरोदक्षाय विष्णु और शिव जी और ब्रह्मा जी ये तीनों जन्म कहाँ से लेते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, सब वहीं से प्रकट होते हैं। तो ये है यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, नातः परम परम यत भवतः स्वरूप स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्च पश्यामि विश्वसृजम एकम अविश्वम आत्मनम आत्मनम भूत इंद्रिय आत्मक मदह ते उपाश्रितः अस्मि न नहीं अतः परम इसके पश्चात परम हे परमेश्वर यत जो भवतः आपका स्वरूपम नित्य रूप आनंद मात्रम निर्विशेष ब्रह्म ज्योति अविकल्पम बिना परिवर्तन के अविद्ध वर्च शक्ति के रास बिना पश्यामि देखता हूँ विश्व सृजम विराट जगत के सृष्टा को एकम अद्वय अविश्व फिर भी पदार्थ का नहीं आत्मन हे परम कारण भूत शरीर इंद्रिय इंद्रियां आत्मक ऐसी पहचान से मदह गर्व ते आपके प्रति उपाश्रितः शरणागत अस्मि हे प्रभु मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता वैकुंठ में आपके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में न तो यदा कदा परिवर्तन होता है और न अंतरंगा शक्ति में कोई ह्रास आता है
मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं आपके भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित, जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित हूँ, वहीं आप विराट जगत के कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका जो ये सच्चिदानंद रूप है, देखिए सच्चिदानंद रूप सबका है, चाहे गर्भोदक्षाय विष्णु हो, चाहे शिरोदक्षाय विष्णु हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब क्या है? सच्चिदानंद। जिसने भी जितने भी विष्णु तत्व होते हैं सब सच्चिदानंद होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूप जो आपका है, इससे श्रेष्ठ मुझे और कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है। वैकुंठ में आपकी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर से निकलती है। भगवान कृष्ण के शरीर से ब्रह्म ज्योति निकलती है, परंतु विष्णु भगवान जहाँ रहेंगे वैकुंठ लोक में, वहां भी ज्योति निकलेगी। विष्णु भगवान की भी शरीर से ज्योति निकलती है, भगवान राम के शरीर से भी ज्योति निकलती है, सारे विष्णु के शरीर से ज्योति निकलती है। उनके पास चमक होती है, बहुत ज्यादा प्रकाश होता है, तो ब्रह्म ज्योति सब जगह से निकलती है ना। तो कह रहे हैं, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, वो कभी कम नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में कभी शक्ति घट जाती है, कभी व्यक्ति कमजोर हो जाता है ना, कभी हम महसूस करते हैं कि हम बहुत कमजोर हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, बूढ़े हो जाते हैं हम, होते हैं ना। पर भगवान में ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कभी कमजोर नहीं होते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं, उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है वो कमजोर नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता भगवान के। इसलिए क्या कह रहे हैं, और उनकी शक्ति में भी कभी कमजोरी नहीं आती है, कभी उनकी शक्ति कम नहीं होती है भगवान की। आप समझ रहे हैं मनुष्य में और भगवान में अंतर, हमारा कैसा होता है? हमारा तो नष्ट होने वाला है ना सब कुछ, हमारा तो सब कुछ भौतिक है, हमारा शरीर भौतिक है, और हम नश्वर शरीर में रह रहे हैं, जगत भी नश्वर है, शरीर भी नश्वर है, भगवान का कुछ भी नश्वर नहीं, पूर्ण शक्ति भगवान में पूर्ण। ऐसा नहीं कि भगवान को खाने की जरूरत है, खाएंगे तो एनर्जी मिलेगी, नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान के पास सदा सर्वदा पूर्ण शक्ति रहती है। हम लोगों की प्रसन्नता के लिए वो भोग स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान को। अच्छा, भगवान यहाँ जो रहते हैं मंदिर में, भगवान जो रहते हैं, विग्रह जितने भी हैं, वो पतले भी होते हैं, खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, पतले भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। ये आश्चर्य की बात है, होते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऐसी लीला कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर में हूं और तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, और तुमने सेवा किया तो मैं खुश हो गया, और तुमने सेवा नहीं किया तो मैं दुखी हो गया, तुमने खूब खिलाया तो मैं मोटा हो गया, और नहीं खिलाया तो मैं पतला हो गया। ये सब वो लीला करते हैं, पर रियल में जो भगवान होते हैं, जो भगवत तत्व है, वो कमजोर कभी नहीं होते। बात समझे, अंतर समझे क्या? तो भगवान कभी पतले भी नहीं होते, कभी कमजोर भी नहीं होते, और कभी उनके शरीर से निकलता हुआ प्रकाश भी कम नहीं होता है। कुछ भी भगवान को अंतर नहीं पड़ता है खाने पीने से और नहीं खाने पीने से। ये हमारे साथ होता है, ठीक है, ये समझ में आई बात? तो ये हमारे साथ होता है, उनके शक्ति में थोड़ी भी गिरावट नहीं होती, रास नहीं होता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, क्योंकि जहां मैं अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर गर्वित हूं। ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है,
जैसे हमारा भौतिक है ना, वैसे ब्रह्मा जी का भी शरीर भौतिक है, परंतु ब्रह्मा जी बहुत शक्तिशाली है हमसे ज्यादा, पर वो भी जीवात्मा ही है। कभी कभी जब कोई जीवात्मा ब्रह्मा के बराबर नहीं हो पाता है तो भगवान भी कभी कभी ब्रह्मा के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, पर ज्यादातर ब्रह्मा जी कौन होते हैं? जीव तत्व। तो भगवान कभी भी पदार्थ से मिक्स नहीं होते हैं, पदार्थ के साथ ऐसा आत्मा भी, आत्मा कभी भी इस शरीर के साथ मिक्स नहीं होती है, अलग रहती है बिल्कुल। हमारे शरीर में के साथ जैसे पानी और पेट्रोल हमेशा अलग रहता है, वैसे आत्मा कभी शरीर के साथ मिक्स नहीं होती। जैसे इस दुनिया में आकाश है, आकाश मतलब खाली स्थान है ना, उस खाली स्थान में सब कुछ रहा है, रखा हुआ। खाली स्थान मतलब समझ गए आप लोग, ईथर, आकाश, सब कुछ उसके अंदर है, पर वो आकाश के साथ कुछ मिक्स नहीं हो रहा है, सब अलग है। हवा अलग है, हवा घूम रहा है आकाश में, पर आकाश के साथ कुछ मिक्स नहीं हो रहा है। वैसे ही आत्मा कभी शरीर के साथ अटैच नहीं होता है, और इसी तरह भगवान भी कभी किसी भौतिक पदार्थ के साथ अटैच नहीं होते, मिक्स नहीं होते। भौतिक पदार्थ अलग है और भगवान अलग है, और वही तत्व आत्मा है, इसलिए आत्मा भी शरीर के साथ कभी मिक्स नहीं होता है। कि हमारे अंदर अज्ञानता है जिसके चलते हम क्या समझ रहे हैं, ये चेतना का प्रॉब्लम है, आत्मा का प्रॉब्लम नहीं है। हम जो इस शरीर में बैठे हैं और इस शरीर को अपना समझ रहे हैं, और जो हम इसको अपना समझने के कारण जो भी कार्य कर रहे हैं उससे बंध रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस रहे हैं, इस सारा चक्कर हमारी चेतना का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा तो इस सबसे अलग है, बिल्कुल अलग है, उसको कुछ भी नहीं होता है। जैसे भगवान परिवर्तित नहीं होते हैं, वैसे आत्मा भी अविकारी, नित्य, अजन्मा, शाश्वत, आत्मा को भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तत् भगवान, तत्वा इदम, भगवान ने तत्वा इदम भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्म नुदर्शितम त उपासकानां तस्मै नमो भगवते, तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनात्रितो नरक भिक्म भिक्म रस रसत प्रसंगाय असत प्रसंगाय। तत् भगवान श्री कृष्ण वा अथवा इदं यह वर्तमान स्वरूप भुवन मंगल हे समस्त ब्रह्मांडों के लिए सर्व मंगलमय मंगलाय समस्त संपन्नता के लिए ध्याने ध्यान में स्म मानो था न आपको दर्शितम प्रकट ते तुम्हारे उपासकाना भक्तों का तस्मय उनको नमः मेरा सादर नमस्कार। भगवते भगवान को अनुविधेम संपन्न करता हूँ तुभ्यम तुमको यह जो अनावृत उपेक्षित है नरक भाग भी नरक जाने वाले व्यक्तियों द्वारा असंग असत प्रसंग भौतिक कथाओं द्वारा। तो भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगल। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं,
इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिन्हें नरक गामी होना बड़ा है वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों का मनन करते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी रूप, सारा रूप जितना भी भगवान का, जितना भी अवतार है, कोई भी अवतार है भगवान का, वो सब हमारे लिए मंगलमय है, ब्रह्मांड के लिए समान रूप से मंगलमय है, अच्छा है, शुभ है। चाहे भगवान विष्णु हो, राम हो, नरसिंह भगवान हो, कोई भी रूप हो भगवान का, सब मंगलमय है और साकार है। भगवान साकार है, हम लोग क्या मानते हैं भगवान को, साकार है ना, निराकार नहीं मानते हम भगवान को। हम भगवान को क्या मानते हैं कि भगवान का एक रूप है, नाम है, गुण है, लीलाएं हैं भगवान की, भक्तगण है भगवान के, और भगवान नित्य हैं और लीलाएं करते रहते हैं, और भगवत धाम में भगवान परमानेंट हमेशा के लिए विराजमान हैं, वो वहाँ से यहाँ आते हैं कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर, और यहाँ पे विभिन्न रूपों में आते हैं, आवश्यकता के अनुसार रूप ग्रहण करते हैं और भक्तों को प्रसन्नता देते हैं, कुछ लीलाएं करते हैं, प्रकट होते हैं फिर अप्रकट होते हैं, ये सब तथ्य हमारे भक्तों के अनुसार है। पर एक अलग ग्रुप है जो कहता है भगवान का कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, भगवान निर्गुण है, निराकार है, भगवान शून्य से उत्पन्न हुए हैं, शून्य ही परम सत्य है, ज्योति ही परम सत्य है, रूप है ही नहीं कुछ, अंतिम सत्य रूप नहीं है, अंतिम सत्य भगवान नहीं है, कोई वैकुंठ धाम नहीं है और कोई रूप नहीं है, और अगर वैकुंठ धाम है भी तो नित्य नहीं है। उस निर्गुण निराकार से विष्णु प्रकट हुए और उस विष्णु से फिर अलग अलग दशावतार प्रकट हुए, हो गया समाप्त, अंत में सब निर्गुण में जाके समा जाते, ऐसा एक विचार रखने वाले एक लोगों का एक बहुत बड़ा सा ग्रुप है। ठीक है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी जिनको नरक जाना है, जिनको नरक जाना बहुत ज्यादा पसंद है, वो ऐसा विचार रखते हैं, वो साकार रूप की उपेक्षा करते हैं और वो भौतिक चीजों का चिंतनमान करते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि वो नरक जाएंगे, नरक भाग भी, नरक भाग भी, सीधा सीधा लिखा है, जो नरक जाने वाले व्यक्ति होते हैं वो भौतिक कथा करते, असत प्रसंग है, असत सत का मतलब होता है जो चीज सत है, जो नित्य है, सत कथा, सत संग है ना। सत की चर्चा जब हम करते हैं तो भगवान की चर्चा होनी चाहिए, सत भगवान ही है, बाकी सब असत है, बाकी सब क्या है, टेम्पररी, समाप्त होने वाला, पूर्ण रूप से नित्य सिर्फ भगवान है। इसीलिए सत की बात जब हुई तो वो भगवान के पास, वो कथा भगवान की होनी चाहिए और वो बात जो है भगवान के पास ही जानी चाहिए, और असत यानी भौतिक, सत का उल्टा है ना। तो असत कौन व्यक्ति असत संग करता है, जिसको ज्ञान नहीं है, जो असत को सत मानता है और सत को असत मानता है ना। ऐसा भजनों में बताया गया है, भक्ति विनोद ठाकुर भी गाते हैं कि रुचि होनी चाहिए सत्य में पर रुचि हो गई है असत्य में,
और इसके चलते बार बार चक्कर काट रहे हैं। तो असत प्रसंगे, असत प्रसंगे मतलब भौतिक चीजें, भौतिक कथा, प्रजल्पा भौतिक बातचीत, भौतिक पिक्चर, सिनेमा, टेलीविजन, भौतिक किताब, जो भगवान से संबंधित नहीं है वो सब कुछ असत प्रसंग है, और जो भगवान से संबंधित है वो सब कुछ सत कथा है, सत्संग है। समझ में? तो जिनको नरक जाना है वो असत प्रसंग करते हैं, वो क्या करते हैं, भौतिक कथाओं में रुचि लेते हैं और भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान को भगवान ही नहीं मानते हैं, परम सत्य निराकार है, साकार की पूजा पाठ नहीं करते हैं। ये तु त्वदीय चरण अम्बुज कोशगंधम जिग्रंथि कर्ण विवरह श्रुति वातनीत भक्त्या गृहीत चरण परयाच तेषां ना पैशी नाथ हृदय अंबुर रुहात स्वपुंसा। ये जो लोग तो लेकिन त्वदीय आपके चरण अंबुज चरण कमल कोश भीतर गंधम सुगंध जिग्रंथि सुगते हैं कर्म विवरह कानों के माध्यम से श्रुतिवात नीतम वैदिक ध्वनि की वायु से दे जाए गए भक्त्या भक्ति द्वारा गृहीत चरण चरण कमलों को स्वीकार करते हुए पराया दिव्य च भी तेषां के लिए न कभी नहीं अपैश पृथक नाथ हे प्रभु हृदय हृदय रूपी अम्बुरुहात कमल से स्वपुंसाम अपने ही भक्तों के। तो हे प्रभु जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं वे भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। हाँ। तो वैदिक ध्वनि यानी कि समझ लीजिए सारे ग्रंथ, सब वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। वैदिक ध्वनि यानी जितने भी पुराण हैं और संगीताएं हैं, वेद हैं, सब वैदिक ध्वनि। तो जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सूंघते हैं वे भक्ति को स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, इसका अर्थ सिंपल है कि जो व्यक्ति भगवान के कथाओं को सुनते हैं, ग्रंथों को, जो हमारे ग्रंथ हैं जितने भी भगवत ग्रंथ, उनको समझते हैं या सुनते हैं, उसके माध्यम से आपके चरण कमलों तक पहुंचते हैं, वे भक्ति करते हैं, और उनके लिए आप उनके हृदय से कभी अलग नहीं होते। भगवान की भक्ति हम कब करेंगे, तो पहले सबसे पहले तो भगवत कथा सुननी पड़ेगी, ठीक है। भगवत कथा सुनिएगा तो फिर रुचि उत्पन्न होगी कथा में, सेवा में, भगवान के बारे में जानिएगा तो फिर भक्ति करिएगा, और जो कथा नहीं सुनेगा तो मुश्किल है, सुनने के बाद भी व्यक्ति भूल जाता है, और सुनेगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा। हम हजारों बार सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं चीजों को, है ना। समझ में तो आता है 10-20%, 80% समझ में नहीं आता, फिर जो समझ में आता है उसके आधार पर अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो और समझ में आएगा। भगवान की कृपा से तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान अपने आप नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास प्रेम सब कुछ तब होगा जब भगवान आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर भगवान कृपा नहीं करेंगे तो पूरे जीवन हम
पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, तो कृपा आवश्यक है। कृपा कैसे होती है? आपके निष्ठा से, आपके प्रयास से, आपके शुद्धता से, ईमानदारी से। ईमानदारी से भक्ति करेंगे। अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है, जो गौरा माता जी है दिक्संगी प्रभु की पत्नी और उसकी बहन श्यामा, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग पांचवी और दूसरी बस इतना ही पढ़ाई किए, बस इससे ज्यादा दूसरी क्लास और पांचवी क्लास क्या होता है, बहुत नहीं के बराबर। पर हम जो क्लास ले रहे हैं दोपहर को 12:15 बजे से 12:15 से 1:15 बजे तक, एक घंटा, आधा घंटा भगवद गीता का श्लोक होता है फिर भागवतम, और ये दोनों बहन सारा श्लोक बोलती है, सारा श्लोक का उच्चारण कर लेती है। भगवद गीता के श्लोक जितने मैं सिखाती हूँ थोड़ा थोड़ा गलती होती है फिर भी, तो बहुत आश्चर्य की बात है। पढ़े लिखे लोग भी नहीं बोल पाते क्योंकि श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तो अपने आप सब कुछ होगा, और लगे रहेंगे तो, लगे रहना है हमको, प्रयास करते रहना है। तावत भयं द्रविण देह सुरित निमित्तं शोकस्प्रिया परिभवः विपुलः च लोभः तावत मम इति असत अवग्रहः आर्तिमूलं यावत् न ते अंग्रिम अभयं प्रवृणीत लोकः तावत, तब तक भयं भय द्रविण संपत्ति देह शरीर सुरित संबंधी जन निमित्तम के लिए शोक शोक स्प्रिया इच्छा परिभव साज सामग्री विपुल अत्यधिक च भी लोभ लालच तावत उस समय तक मम मेरा इति इस प्रकार असत नश्वर अवग्रह दुराग्रह आर्ति मूलम चित्ता से पूर्ण यावत जब तक न नहीं ते तुम्हारे अंग्रिम अभयम सुरक्षित चरण कमल प्रवृणित शरण लेते हैं लोका संसार के लोग। हे प्रभु संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश मैं तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते तब तक वे ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। यहां दो चीज बताया ब्रह्मा जी ने, एक चीज क्या बताया कि ये समस्या है भौतिक दुनिया के लोगों की, क्या समस्या है, ये समस्या है। क्या क्या समस्या है? समस्या ये है, देखिए 5,000 साल 5,500 साल पहले लिखा गया है करीब करीब, फिर भी जो लिखा गया है वो अभी हो रहा है ना। कह रहे हैं कि संसार के समस्त भौतिक, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं से उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न रहने का मतलब क्या हुआ? परेशान, हर समय परेशान रहते हैं। आज हमने एक श्लोक किया था, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्प्रिया वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि उच्यते। स्थित धीर किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछते हैं अर्जुन कृष्ण से कि स्थित धीर किसे कहते हैं, हे कृष्ण आप हमें बताइए। स्थित धीर का शाब्दिक अर्थ हुआ शांत मन वाला व्यक्ति, जिसका मन स्थिर है वो कौन होता है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो भगवान ने क्या कहा? दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जिसका मन दुखों के द्वारा विचलित नहीं होता है। सुखेषु विगतः स्पृहः, और सुखों से भी वो आसक्त नहीं रहता। बहुत सुख आ गया, बहुत धन आ गया घर में हमारे, तरह तरह का बेटा बेटी, नौकरी
सब अच्छा अच्छा सुख वाला चीज हो रहा तो हम बहुत फूल जाएंगे एकदम, उससे आसक्त हो जाएंगे, एकदम एंजॉय करेंगे। नहीं, कोई स्प्रिहा नहीं। सुख दुख, दुख से भी विचलित नहीं होना और सुख से भी बहुत खुश नहीं हो जाना। और वीतराग भय क्रोध, और तीन चीज वो छोड़ चुका है, क्या? राग, भय और क्रोध। राग यानी आसक्ति, भय और क्रोध। वीतराग भय क्रोध स्थितधि मुनि उच्यते, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर मन वाला व्यक्ति, या स्थिर मन वाला व्यक्ति। तो स्थिर मन किसका रहेगा? जो ये सब लक्षण जिसके अंदर होंगे उसका ही मन स्थिर रहेगा, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो आजकल के लोगों का मन कैसा रहता है, देखिए यहाँ जो बताया है, समस्त भौतिक चिंताओं से मन उद्विग्न है। मन जो है एकदम उछल कूद कर रहा है, शांत नहीं है, उछल कूद कर रहा है, और सदैव भयभीत रहते हैं, डरे भी रहते हैं। बाहर से भले बोलेंगे कि मैं डरा हुआ नहीं हूं, वो बाहर से बोलते हैं। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप लोग मानिए या ना मानिए पर सत्य है कि जो व्यक्ति दुखी है वो बताएगा बार बार जोर जोर से चिल्ला के कि मैं बहुत सुखी हूं। जो बहुत गरीब है वो बार बार कोशिश करेगा दिखाने का कि मैं बहुत अमीर हूं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, पर सत्य भगवान को पता है, साधु महात्मा को पता है, एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं 20-70-80 साल के उनको सत्य पता है। तो सदैव भयभीत रहते हैं। और क्या रहता है? धन, स्त्री और मित्र, इन तीनों की रक्षा करने का प्रयास करते रहते हैं। क्या चीज का प्रयास करते हैं? जो धन है मेरा वो चलाने जाए, उसको सुरक्षित रखें। जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो हमारे साथ उठते हैं बैठते हैं, सदा हर सुख दुख में साथ रहते हैं, मित्र हैं, ये सत्य है। ये जो हमारा मित्र है ये हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि बहुत बड़ा बल होता है, मित्र से हमको बहुत शक्ति मिलती है। इसीलिए कोई मित्र उसका चला जाए छोड़ के ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मित्र को बचा के रखने की कोशिश करता है, पत्नी को बचा के रखने की कोशिश करता है, सॉरी पत्नी ने लिखा है, शरीर को बचाने की कोशिश करता है और धन को बचाने की कोशिश। स्त्री नहीं, शरीर है, तो शरीर बीमार नहीं पड़े, धन जितना है वो बचा रहे, और मित्र मित्र हमारे जितने हैं वो सब हमारे नजदीक रहे, ये तीनों की रक्षा करने का प्रयास करता है। और क्या करता है? शोक और अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहता है। शोक रहता है उसके मन में। अच्छा, सच अगर कोई ऐसी मशीन होती ना एक्सरे टाइप की, तो पता चल जाता कि इस दुनिया में जितने लोग हैं वो कितना परसेंट दुखी है। सत्य बात है कि सब दुखी, पर मुखौटा लगा के बैठे हैं कि हम बहुत सुखी। ये मुखौटा पता है किसको कहते हैं? बाहर से एक असली चेहरा नहीं दिखा करके एक हम नकली लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं मुखौटा। बचपन में बच्चे लोग नहीं पेपर का बना हुआ मुखौटा पहन पहन के घूमते हैं, वो मुखौटा। तो मुखौटा लगाए हैं लोग कि हम बहुत सुखी हैं और बहुत खुश हैं। वास्तव में सब शोक शोक से पूर्ण है। और अवैध इच्छाएं, इच्छाएं कैसी? जो सही नहीं है, अवैध है, गलत है, और साज सामग्री से पूरित है। और लोभवश मैं तथा मेरा अपने नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। आग्रह, कौन सा आग्रह? जिद। आग्रह मतलब रिक्वेस्ट और जिद, गलत चीज, दुराग्रह, गलत आग्रह। और मैं और मेरा, मैं और मेरा, एक
सज्जन पुरुष ने कहा है साधु महात्मा पता नहीं किसने, प्रेम गली अति साकरी जाम में दो न समाए। दो चीज, प्रेम की जो गली होती है बहुत पतली होती है, बहुत पतली, उसमें दो नहीं जाता है, या तो आपका मैं जाएगा नहीं तो भगवान मिलेंगे, तो मैं हटाना पड़ेगा और मैं रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। मैं का मतलब क्या हुआ? अहंकार, ये चीज मेरा है और ये मैं हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। हरि यानी भगवान तब मिलते हैं जब मैं समाप्त हो जाता है, और जब तक मैं रहेगा तब तक हरि नहीं मिलेंगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो दुविधा नहीं रखना है हमको, भगवान को प्राप्त करना है कि माया, चुन लीजिए, दोनों मिलेगा ये संभव नहीं, ये संभव नहीं है। एक प्रभुपाद या पता नहीं कहाँ पढ़ा है मैंने कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो व्यक्ति पेड़ को पकड़ा हुआ है, ऐसे पिलर को पकड़ा हुआ है, पेड़ या पिलर खंभे को पकड़ा हुआ है, और उसके हाथ में बहुत सारा मुरमुरा है, मुरमुरा ऐसे। अब उसको भूख लगे, उसको मुरमुरा खाना है, तो वो मुरमुरा को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन जब तक पिलर को छोड़ेगा नहीं तब तक खा नहीं सकता है मुरमुरा। तो पिलर को छोड़ता है तो मुरमुरा गिर जाता है, थोड़ा बहुत बचेगा ना, मुट्ठी भर, पूरा तो नहीं बचेगा। तो उसी प्रकार हम माया को पकड़े हुए हैं, जोर से देख रहा है कि भगवान तो है वहां पर, भगवान तक जाने के लिए माया को छोड़ना पड़ेगा। माया को छोड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे। एक बाइबल में एक स्टोरी है, तो बाइबल में भगवान बोलते हैं, भगवान बहुत सारी कथाएं हैं बाइबल में, उसमें एक कथा है। तो एक व्यक्ति था जो भक्त था, भगवान का भक्त था, मतलब क्रिश्चियन, और वो पहाड़ से गिर रहा है, मतलब ऊंचाई से गिर रहा है वो, और उसको जब वो गिर रहा है तो पुकार रहा है, भगवान बचाइए, भगवान बचाइए। भगवान कह रहे हैं तुम छोड़ दो, मैं बचा लूंगा, तुम कूद जाओ पहाड़ से, मैं हूं ना तुमको बचाने के लिए, तुम मेरे ऊपर विश्वास करके कूदो। पर वो नहीं कूदता है क्योंकि विश्वास नहीं भगवान के ऊपर पूरा। तो सुबह में उसको देखते हैं लोग कि वो मर चुका है, मरा हुआ है, जम गया है, कुछ बर्फ बर्फ था कुछ ऐसा। और जब उसको कहते हैं कि जब उसको भगवान बोल रहे तुम कूद जाओ, कूद जाओ, तुम डरो मत, और वो डर रहा है, वो कूद नहीं रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है पेड़ या जो चीज को पकड़ा है ना उसको छोड़ के कूद नहीं रहा है कि कूदूंगा तो नीचे बहुत गहरी खाई है और मैं मर जाऊंगा। और वो वहां से जहां से जंप किया था, जहां से वो कूदा था आने के लिए ऊपर से कूद कर दिया कैसे भी, तो वहां से जब वो नीचे, जब वो नहीं छोड़ रहा था पेड़ को डर के मारे कि गिर जाऊंगा, वहां से सिर्फ 2 फीट जमीन थी नीचे। आप बात समझे, सिर्फ 2 फीट की ऊंचाई पर लटक करके वो मर गया, लेकिन छोड़ा नहीं, क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर। पूरी स्टोरी तो मैं नहीं पढ़ी हूं इसलिए बता नहीं सकती हूँ, पर तथ्य समझ जाएंगे, ये स्टोरी बाइबल का है। तो भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से जब विश्वास होता है तब व्यक्ति क्या करता है, घर को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, रिश्ते नातों को छोड़ता है, धन दौलत को छोड़ता है। जैसे सन्यासी वगैरह कोई बन जाते हैं रियल में, जो सन्यासी हैं, ऐसा नहीं कि आज बन गए फिर छोड़ के वापस चले आए उसमें, वो नहीं, जो समझदार हैं, पूरा समझदारी से जो आए हैं। कुछ ऐसे सन्यासी हैं वृंदावन में जो अपनी कथा सुनाते हैं तो आपको आश्चर्य लगेगा कि कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं घर छोड़ के चल दिए, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ट्रेन का टिकट भी नहीं है, पैसा भी नहीं, आ गए, अच्छा बैठे हैं कहीं, पंगत लगा हुआ है भिखारियों का तो वहां बैठे, कुछ मिल गया तो खा लिए, नहीं मिला पैसा दे दिया तो छोड़ दिया पैसा को, ये नहीं पैसा को रख लेंगे
दुकान से जलेबी और समोसा खाएंगे, नहीं, भोजन मिलेगा कृष्ण देंगे, भोजन तो करेंगे, नहीं देंगे कृष्ण तो हम कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया, भोजन देंगे तो ठीक है नहीं तो भूखे रहेंगे। ऐसा जब छोड़ के आता है ना व्यक्ति, तो फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तब उसको भगवान मिलते हैं। और जब तक हम पकड़े रहते हैं तब तक दोनों चीज नहीं मिलेगा। ये बात को समझना होगा कि दोनों चीज नहीं मिलेगा, दोनों कभी किसी को नहीं मिला है आज तक, तो हमको कैसे मिलेगा बताइए। तो कहते हैं लास्ट में कि जब तक वे अपने, जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते, तब तक ऐसी चिंताओं से पूरित रहते हैं। मतलब ये जो चिंता है, हमारा दोस्त छूट जाएगा, हमारा धन चला जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, ये सब जो चिंता है जिसको पकड़ के रखे हुए हैं लोग, वो चिंता रहेगा, वो चिंता तब समाप्त होगी जब भगवान के चरण कमल को हम पकड़ेंगे। और भगवान के चरण कमलों को पूर्ण विश्वास रहेगा, थोड़ा विश्वास होने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, क्लास में सोएंगे तो कैसे चलेगा बताइए। तो इस प्रकार से हम सब लोगों को इस बात को समझ करके और भक्ति करनी है, ताकि मुक्त हो जाए चिंताओं से। सही है कि नहीं बताइए। आज कौन सा डेट है? 15 है, 16 नहीं है, नहीं 15, 12, 23। तो आज का क्लास हो चुका है। श्रील प्रभुपाद की जय।